गाइज, अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं जिस पे अभी चर्चा करेंगे, तब आप लोगों से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अभी से रनिंग स्टार्ट करिए। अदरवाइज होगा ये कि अगर आपका नंबर आ गया और आप लोग फिर रनिंग करना चाहेंगे, देन आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं, क्योंकि जब मैदान में आदमी कूदता है तभी पता चलता है। आज वो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, किसी की 5 मिनट में आ रही है, किसी की 6 मिनट में आ रही है। इसलिए आप लोगों के अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं जितने पे हम लोग अभी यहां बात करने वाले हैं, देन मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि प्लीज आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ बच्चों को सिन पेन की प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों के जो है यहां पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्यों वो दर्द हो रहा है, किन गलतियों को आप कर रहे हो जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है, वो दर्द आप लोगों का नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो खत्म हो जाएगा। आप लोगों को कौन कौन से टिप्स अपनाने हैं, रनिंग करते समय आप लोगों के हैंड की पोजिशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आप लोग रनिंग करते टाइम कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है, और अगर आप चाह रहे हो कि आप लोगों का सांस ना फूले, जो आप लोगों का इस टाइम पर सांस फूल रहा है, या टाइमिंग आपको कम करनी है, तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भैया इन लोगों से देखिए, बाकी आप सब लोग रनिंग करिए जिसका मन करता है, जिसको लग रहा है कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, क्योंकि किसी के द्वारा भी बताई गई कट ऑफ सही होना ना होना आप लोगों पर डिपेंड करेगी पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी शिफ्ट कैसी आई थी। अब मैंने बता दिया कि 58 पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी, मान लीजिए आपकी शिफ्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, तब मैं कैसे कह सकता हूं, आपके हो सकता है 55 से 70 हो जाए, तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है ना। तो आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप अपनी कट ऑफ अपने आप से निर्धारित करिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी एवरेज शिफ्ट आई है, तो आप लोगों के अगर 58 से 65 के आसपास नंबर हैं, देन आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों की रनिंग तैयार नहीं हुई और आपका नंबर आ गया, देखिए अगर बच्चे की रनिंग तैयार है और नंबर नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसने अपनी हेल्थ को ही टाइम दे दिया। लेकिन अगर आपका नंबर आ गया और आपकी रनिंग तैयार नहीं है, मान लीजिए आप हेल्दी हैं या कोई, तब आप लोगों से इतने कम टाइम में रनिंग नहीं बनेगी। जो लोग इस टाइम पे दौड़ रहे हैं, आप उनसे पूछ के देख लो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन लोगों के सामने भी। इतना ज़्यादा आसान नहीं है, देखिए उन बच्चों के लिए आसान है जो यूपी पुलिस वगैरह की या आर्मी वगैरह की रेस मारते हैं, आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, और खास करके शहर वाले बच्चों के लिए। इसलिए अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन थोड़ा बहुत टाइम दिन में एक ही बार दौड़िए, ये नहीं है कि 10 बार दौड़ना है, और हफ्ते में 5 दिन दौड़िए, 4 दिन दौड़िए बस, उससे ज़्यादा आप लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से आपने रोक दी रनिंग, देन आप लोग कभी से रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आज उसी के बारे में बात करेंगे। सिन पेन होने के बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने लिखे हैं, और कौन से शूज पहन के आपको दौड़ना है ये भी बात करेंगे। मैं भी 7 से 10 लोगों को गिफ्ट करने वाला हूं आप लोगों को शूज, कुछ लोगों को पहले दिए हैं लेकिन वो नंबर बहुत कम था, 5 ही लोगों को दे पाए हैं, तो 7 से 10 लोग और हम इस बार प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पेटीएम करवा दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर नीचे मैसेज करिएगा, आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। रनिंग टिप्स यहां पे बताई गई हैं कि किस तरह से आपकी हाथों की पोजीशन होनी है। जब आप पैर रखते हैं तो सबसे पहले पूरा, कुछ लोग कहते हैं पंजे पर रखना है, कुछ एड़ी टेक देते हैं, कुछ लोग पूरा रखते हैं, तो क्या सही है क्या नहीं है इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोगों के अगर 58 से 65 हैं और एक आपकी एवरेज शिफ्ट है, देखिए हो सकता है कि आपकी बहुत टफ शिफ्ट हो तो आपका 55 पे भी हो जाए, आपका 50 पे भी हो जाए, लेकिन आपके अगर बात करें एक एवरेज शिफ्ट है और एवरेज बोर्ड से हैं आप, तब 58 से 65 के बीच आप लोग सेफ हैं। इसलिए इन बच्चों को जरूर से जरूर दौड़ लगानी चाहिए। अगर ये बच्चे दौड़ नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। या तो आप धुरंधर हो, आपको पता है कि 15 दिन में दौड़ बन जाएगी आपकी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, जब रिजल्ट आएगा तब दौड़ना स्टार्ट करिएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तब आप लोगों को देखना, स्टार्टिंग में बिगनर्स को सिन पेन भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे आप हफ्ते में 3 ही दिन दौड़िए, 1 दिन छोड़ के दौड़िए, चाहे जैसा करिए, लेकिन स्टार्ट जरूर कर दीजिए। आप इस टाइम पे मत दौड़िए 4 मिनट 15 सेकंड में, आप इस टाइम पे दौड़ लीजिए, चलिए 5 मिनट में दौड़ लीजिए, 6 मिनट में दौड़ लीजिए, लेकिन भाई दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे ही कम होगी। बात करते हैं ओबीसी की। तो मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया 55 से लेकर अगर 62 तक आप लोगों के नंबर हैं, देन आप लोग अच्छे से तैयारी स्टार्ट करिए, आपके बहुत हद तक चांसेस बनेंगे। और बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो वो भी लगभग यही गिरेगी, 54 से 60 के आसपास आप लोग भी हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। इसकी बात करें SC ST की, तो इन लोगों का 48 से लेकर आप लोग 55 तक हैं, तब भी आप लोगों के चांसेस बनेंगे।
एसटी कैटेगरी में बात करें तो आप लोगों का 45 के आसपास भी सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज ये आप लोगों की कैटेगरी है जिसमें आप लोगों को मैं तो कहूंगा कि भैया आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए, आपके सिलेक्शन के बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे। अब गाइज जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन से बेस्ट शूज हैं रनिंग शूज। तो देखिए आप जो मन करें वो जूते पहनिए, लेकिन आपका एक ही जूते में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, एक तो ये जैसे आप जूता देखेंगे, एक तो ऐसा ना हो कि भैया 2-3 बार आप दौड़े और ये उखड़ गया। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि ये वाली जो चीज है ये बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब जब आप पैर रखो तो ऐसे मुड़ जाए, ये ना हो कि नीचे से आपका सॉलिड हो। बस आपको ये नीचे वाली जो तला है, ये वाली जो चीज है, इस चीज को आपको देखना है, ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ये एक बहुत सस्ता ब्रांड है, सीगा गोल्ड के नाम से ये जूता आता है। ये देख सकते हैं आप, यहां सीगा गोल्ड के नाम से जूता आता है, करीब 380 या 400 रुपए का जूता आता है। इसके में 500 रुपए पर कैंडिडेट, जो 7 से 10 लोग होंगे उन लोगों को मैं इसके पैसे पेटीएम करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग जरूर से जरूर, अगर बहुत गरीब हैं तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आप लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको प्रोवाइड करवा देंगे। 5 लड़कों को पहले प्रोवाइड करवाया गया, बाकी 10 लड़कों को और प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये आप लोगों का हो गया। इसके अलावा देखो सबको तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ लोग करवा देंगे। जूतों की बात करूं तो देखिए ये आता है एक ASICS जेल के नाम से, न्यू बैलेंस के नाम से आता है, नाइक जूम के नाम से आता है, निविया योक के नाम से आता है, सीगा गोल्ड आता है। जो आपका मन करता है वैसा आप जूता ले लीजिए, लेकिन एक अच्छा आपके पास जूता होना चाहिए, क्योंकि यही है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। और आप देखेंगे अगर कोई बच्चा गोल्ड स्टार पहन के दौड़ रहा है तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं उसका जो सॉलिड जो बेस है ना उसका, वो बहुत टाइट होता है, सॉलिड होता है, इसलिए वो आपको दिक्कत करता है। और कभी भी आप लोगों को सड़क पे नहीं दौड़ना है कि सड़क पे दौड़ना शुरू कर दोगे, आप थोड़ा कोमल जगह पे दौड़िए, अदरवाइज आपको सिन पेन होना बिल्कुल लाजमी है। चलिए बात करते हैं सिन पेन होने के कारण क्या है और उसे हमें किस तरीके से निपटाया जा सकता है, किस तरीके से हम निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया मैंने कि जूते लेने के लिए आप एक्शन के शूज भी ले सकते हैं, आप एक्शन के स्पोर्ट्स शूज ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। देखिए मैं तो बता रहा हूं गरीबों वाली बात बता रहा हूं, सिर्फ मैक्सिमम लड़का गरीबी है, ग्रुप डी में है। सीगा गोल्ड आप ले लीजिए, अच्छा शूज है, मैंने खुद ने यूज किया है, 1-1.5 साल तक बड़े आराम से पहना भी है, उसके बाद रनिंग के बाद भी तो काफी अच्छा लगता है, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं गाइस। अब बात करते हैं कि क्यों आप लोगों का ये सिन पेन का मतलब होता है, ये यहां पे दर्द होता है ये, ठीक है गाइस। जैसे ये आपका पंजा है तो पंजा और घुटना, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो ये चीज है नी, यहां पे आप लोगों के दर्द होता है। तो ये दर्द क्यों है, इसके कारण है, देखिए सबसे बड़ा कारण है कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अब आपकी जो बॉडी है वो उसके रिदम में है नहीं, मतलब उससे दौड़ने की आदत नहीं है। आप पहले दिन गए दौड़ना शुरू कर दिया, भाई आप पहले दिन में ही अगर 4 किलोमीटर दौड़ोगे तो आपका हाल होना ही है, दर्द होगा ही। और मैं आप लोगों को बता दूं बिगिनर्स के सबके दर्द होता है, इसलिए प्लीज उस चीज से घबराना नहीं है। रनिंग से पहले वार्म अप 100% कर लो, वार्म अप के लिए अगर आप एक्सरसाइज डालेंगे ना, अगर आप YouTube पे डालेंगे कि रनिंग से पहले वार्म अप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, तब आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें से आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं तो पुशअप्स भी कर लेता था भाई, जैसे मन करे, आपको अपना शरीर गर्म करना है बस, उसके लिए आप उठक बैठक करिए, पुशअप्स मारिए, और भी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, बस आपका शरीर गर्म हो जाए, थोड़ा सा पसीना उसीना आना शुरू हो जाए और फिर आप दौड़ना शुरू करिए, आपका सांस भी नहीं फूलेगा और आपको आसानी रहेगी बहुत ज्यादा दौड़ने में। अदरवाइज होगा क्या, आप बीच में जाएंगे, बीच में शरीर गर्म होगा, उस टाइम पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है सिन पेन का रनिंग से पहले वार्म अप का ना करना, दूसरा है एकाएक रनिंग स्टार्ट कर देना, मतलब अचानक से गए और बस दौड़ना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। तीसरा है शूज का गलत सिलेक्शन, अगर आपने जूतों का गलत चुनाव किया हुआ है तब भी, हार्ड शेप तो होनी नहीं चाहिए, नीचे से वो हार्ड नहीं होना चाहिए बस जूता, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, और थोड़ा कंफर्टेबल जूता पहनना है आपको। हफ्ते में 7-7 दिन रनिंग करना भी सिन पेन का कारण है, क्योंकि देखिए ऐसा कहते हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं पता है, कि जो भी चीजें हैं आप लोगों को, आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, कुछ चीजें टूटती हैं और फिर वो नई बनती हैं जब आप रनिंग करते हैं, तो उन चीजों को ग्रो होने के लिए भी आप टाइम दीजिए, अदरवाइज होगा कि आप जा रहे हैं रोज तोड़े ही जाओगे चीजों को, तो उसे ग्रो होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में 7-7 दिन मत दौड़िए, अगर आप दौड़ रहे हैं कि मान लीजिए हफ्ते में सिर्फ 5 दिन दौड़िए और 2 दिन का गैप मत दे देना, कभी सोचो कि 5 दिन दौड़ूंगा 2 दिन गैप दे दूंगा, ना,
तीन दिन दौड़िए एक दिन गैप दे दीजिए, तीन दिन दौड़िए फिर दूसरा दिन गैप दे दीजिए, दो दिन दौड़िए एक दिन गैप दे दीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन जो गैप वाला दिन है उसमें भी आप अपने घर पे वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए, ज़्यादा मत दौड़िए, मतलब जैसा आप डेली दौड़ते हैं वो वाली चीज़ें मत करिए। एक हफ्ते तक ज़्यादा दौड़ने की बजाय सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको एक सही मैनर में अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप टाइम करने की सोचना। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वहाँ पर फील्ड में दूसरे लोगों को देख के उनकी तरह दौड़ने की कोशिश करते हैं। भाई वो बहुत टाइम से उस चीज की तैयारी कर रहा है, इसलिए आप दूसरों की होड़ मत करिए, अदरवाइज आप पीछे ही रहोगे और आप लोगों के दर्द होगा पैरों में, कहीं कुछ नंगे पैर मत दौड़िए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पैर में कुछ चुभ जाएगा, कहीं कांच पड़ा होगा, कहीं कुछ पड़ा होगा, क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल फील्ड नहीं बने हुए आप लोगों के लिए कि भैया आप लोगों के स्पोर्ट्स एकेडमी है बहुत अच्छे से बने हुए, नीचे कंकड़ भी नहीं मिलेगी, इस तरह का आप लोग ख्याल रखिए। सही सरफेस का सिलेक्शन करना है, ये मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। हार्ड सरफेस पे दौड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आप लोगों की ये तलवा भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नीचे से ठुक जाएगा और उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगा फिर। दूसरा, कुछ लोगों को फ्लैट फीट की प्रॉब्लम होती है। फ्लैट फीट का मतलब होता है जैसे आप अपना पैर के नीचे अगर हाथ डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा ग्रूव टाइप का होगा ऐसे, ठीक है, वो ऐसे मुड़ा हुआ होगा, तो कुछ लोगों का पैर बिल्कुल सीधा होता है, मांस भरा होता है यहां तक, मतलब जैसे आप मान लीजिए हथेली है, हथेली के जो बीच में गैप दिख रहा है ये वाला, उनका गैप ना होकर पूरा सपाट होगा ये, तो अगर ये वाली चीज नीचे पैर में सपाट है तो उन लोगों को भी दौड़ने में दिक्कत आती है, शिन पेन हो सकता है। तो गाइज, और दूसरा है ओवरवेट, ओवरवेट के कारण भी वहां पे दर्द होगा। अब इसका इलाज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रनिंग की कुछ टिप्स के बारे में, फिर हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि बिना वार्म अप के कभी नहीं दौड़ना है, लाइफ में कभी भी बिना वार्म अप किए मत दौड़ना, ठीक है गाइज। दूसरी चीज, पहले ही दिन जाके अपने आप को उसेन बोल्ट बनाने की कोशिश मत करना, अगर आप पहले दिन जाके उसेन बोल्ट बनोगे देन आप चार दिन तक पड़े ही रहोगे, इसलिए स्टार्टिंग बिल्कुल धीरे से करनी है, ग्रेजुअली स्टार्ट करना है और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते जाना है। स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता है उसमें आप ये मत सोचिए कि मैं आज एक हफ्ते में ही रेस बना लूंगा, तो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करिए, दवाइयों ववाइयों के चक्कर में मत पड़िए। परफेक्ट हैंड पोजिशन की बात है तो हैंड पोजिशन भी बहुत हद तक निर्धारित करती है, आप लोग कुछ ऐसे ऐसे दौड़ना फिर भी सही रहता है। देखिए जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो जब आप दौड़ रहे हैं तो इस तरह से दौड़ते हैं तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये चीज काटती हुई चल रही है। अगर आप दूसरे पोजीशन में लेंगे, आपको ये देखना है कि आपके शरीर का कम से कम हिस्सा, अब देखिए ऐसे हाथ रख रहे हो तो ये काटने वाली पोजीशन है, तो ये सही है एक तरीके से, ठीक है गाइस। अगर आप दूसरी पोजीशन लेके चलेंगे तो आपका शरीर का ज्यादा हिस्सा हवा के टच में आएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की रनिंग का टाइमिंग कम होगा, तो वो चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। और इस चीज में जब आप ऐसे दौड़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की स्पीड में भी काफी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस, दूसरा, परफेक्ट हैंड पोजीशन होनी चाहिए। सिर भी आप लोगों को ऐसे ऐसे नहीं देखना है कि आप इधर देख रहे हैं, सीधा आप जहां दौड़ रहे हैं बस उस चीज की ओर ध्यान रखिए, आपको आगे देखना है, इधर उधर आप देखेंगे, घड़ी में देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे, ये करेंगे, तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या होना है। पूरा पैर आगे रखें। देखिए कुछ लोग पंजे पे दौड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग एड़ी पे, तो जैसा आपका मन करता है, अगर आपकी आदत है तो हम नहीं बिगाड़ कर सकते कुछ, लेकिन फिर भी पूरा पैर रखते हैं लोग तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, आप पूरा पैर रख के दौड़ सकते हैं, पंजे को भी काफ़ी लोग बेहतर मानते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करिए जो आपका मन करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट एंड डाइट। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे देन आप लोगों को प्रॉब्लम होगी और आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती चली जाएगी। रेस्ट लेना, देखिए आप मान लीजिए कोई लड़का है वो 14 घंटे पढ़ता है, ठीक है, लगातार 14 घंटे पढ़ता है फिर सोता है, एक लड़का है 7 घंटे पढ़ता है फिर कुछ आराम करता है फिर उसके बाद 7 घंटे पढ़ता है, इन दोनों की एफिशिएंसी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 7 घंटे लगातार पढ़ने के नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक समझा रहा हूँ, मत एग्जांपल आप लोगों को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बीच में रेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो जो कोशिकाएं टूटी हैं आपकी वो बनने का टाइम नहीं मिलेगा उनको, और वो बनेंगी नहीं तो कुछ होना नहीं है। डाइट, अब एक बात आइए, आप रोज डेली दौड़ते हैं मतलब एनर्जी खत्म करते हैं अपनी, और जब आपकी रोज डेली एनर्जी खर्च हो रही है तो वो एनर्जी आपको लेनी भी पड़ेगी, और वो कहाँ से मिलेगी? अब आप फ्रूट्स, देखिए मैं अंडे उंडों को सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ, तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स का जूस लीजिए, और सुबह को चने भिगो के रखिए, उसके साथ किशमिश भिगो के रखिए, कुछ लोग उसके साथ सोयाबीन भिगो के रखते हैं, दालें भिगो के रखते हैं, जो आपका मन करता है वो करिए, लेकिन चने, किशमिश और दो चार बादाम उदाम डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पानी भी पी सकते हो अगर आपने साफ करके धो के रखा है तो, ठीक है गाइज। ये चीज़ें जरूर से जरूर करना। डाइट अपनी अच्छे से लीजिए, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए,
ठीक है, और उसके अलावा कंटिन्यूटी आपके होनी चाहिए। अब होता है सांस लेने का मेथड क्या है, सांस जब लें तो कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, जो बच्चा मुंह से सांस लेगा उसके पेट में भी दर्द होगा और उसका सांस भी फूलेगा। आप लोग मुंह से सांस मत लीजिए। मुंह से सांस कब लिया जाता है, देखिए जैसे आपने पहला राउंड मारा, पहला राउंड तो पूरी तरीके से मैं कह रहा हूं कि नाक से ही सांस लेके मारा जाता है लगभग। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे मुंह खोलिए और पूरा बड़ा सा सांस लीजिए, एक से दो जो सांस लेंगे पूरा बड़ा सा सांस लीजिए, अंदर हवा जाने दीजिए ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से, और ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से निकालिए। लेकिन ये काम सिर्फ एक से दो बार या तीन बार ही करिए, ऐसा नहीं है कि हर राउंड में मुंह खोले ही रखा है। देखिए मुंह खोल, ये पता नहीं था मुझे भी पहले, लेकिन जब हमने दौड़ना शुरू किया तब हमने इस चीज को फील किया कि जब मुंह बंद करके दौड़ा जाता है तब ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। इसलिए मुंह को बंद करिए, नाक से सांस लीजिए, बीच में अगर आपको लगता है कि हां सांस लेना है देन पूरा मुंह खोल के आराम से जैसा आपका मन करता है लंबा सा सांस लीजिए और लंबा सा सांस छोड़िए, एक दो सांस ऐसे लेके और फिर बंद कर लीजिए मुंह और पूरी तरीके से फिर नाक से ही सांस लीजिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जो बंदे मुंह से सांस लेते हैं उनका निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं सांस फूलना तय है। ये इतनी सारी चीजें हो गई आप लोगों की, कंटिन्यूटी बना के रखना, ये मैं आप लोगों को लिख के देता हूं कि स्टार्टिंग में सभी के दर्द होता है, कोई आप नए नहीं हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों के दर्द हो रहा है, इस चीज को आप कैसे कर सकते हो। देखिए अगर नॉर्मल दर्द है, नॉर्मल दर्द है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाली गर्म पानी के अंदर नमक डाल के भी नॉर्मल इस चीज को सूंघ सकते हैं, जैसे ऐसे होता ना ऐसे पैरों को ऐसे, ठीक है, पानी डाल के, या कई बार उसके अंदर पानी बाल्टी के अंदर भी पैर डाल के बैठ सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट भी आप लोगों के लिए ये है कि फिटकरी, नमक, नीम, सरसों का तेल, ये चीज़ें डाल के पानी को उबाल लीजिए, और या तो फिर उसे पैरों से ढाल लीजिए और सूंघते हुए ऐसे घुटनों से नीचे इसे ऐसे करके या तो पानी से ढाल लीजिए या उसके अंदर अपने पैर रख दीजिए और जितना आप सहन कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों का जो शिन पेन है वो दो से तीन दिन के अंदर गायब हो जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूटी के साथ दौड़िए, डेली उतना नहीं, मान लीजिए आज आप दौड़ने गए, आपने 1 किलोमीटर रेस मारी, आपके बहुत दर्द हो रहा है, तो आप आज धीरे धीरे दौड़िए, कम दौड़िए लेकिन दौड़िए जरूर। ये स्टार्टिंग के 4-5 दिन में ऐसा होता है कि जो चीजें आपकी बिल्कुल रेस्ट में थी, न्यूटन के नियम से ही समझ लो, जो चीजें रेस्ट में थी उन्हें आदत नहीं थी, आप उन्हें आज लगातार भगा रहे हो, वो क्या चाहेंगी, वो रेस्ट में रहना चाहेंगी ना, और एक चीज आपने भगाई है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या करेंगी, ये आपको नॉर्मल सी बात है, आपको दर्द होगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी आप ऐसे ही करें, तीसरे दिन भी करें, तो उस चीज को आदत हो जाएगी कि हाँ भाई इतने टाइम पे इस आदमी को दौड़ना है, तो वो आपकी जो चीजें हैं वो उसी रिदम में आ जाएंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर दर्द हो भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप उससे कम करने की कोशिश करिए। दूसरा, जब नहाने जाते हैं तो शरीर पे थोड़ा तेल वेल लगा लिया करिए, तेल के अंदर लहसुन डाल के आप लगा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं पूरा का पूरा, और इस तरीके से आप लोगों का ये सिन पेन वाली प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो शूज लेने हैं वो सस्ते में आप सीगा गोल्ड ले सकते हैं, इसके अलावा नाइक जूम है, नीविया योग से बहुत सारे है। इसके अलावा आप लोगों को बता दिया है कि सांस लेने का सही तरीका क्या है, गहरा और लंबा सांस लेना चाहिए, पूरा पैर आगे रखना है, रेस्ट लेना है, डाइट लेनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, रनिंग से पहले वार्म अप 100% करना है, एकाएक रनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, शूज का गलत सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, हफ्ते के 7 दिन रनिंग नहीं करनी चाहिए, सही सरफेस का चुनाव करना है जहां पे आप दौड़ते हो, और उसके अलावा फ्लैट फीट की अगर प्रॉब्लम है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर बैठो तो। अब अकेडमी किसे ज्वाइन करनी चाहिए, तो अकेडमी के लिए मैं कहूंगा अगर किसी का ज्यादा वेट है उस बंदे को एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उससे फायदा यह होता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है। और जिन बंदों का वेट ज्यादा नहीं है और तो उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ दौड़िए, उनके साथ और उस बंदे के साथ दौड़िए जो अच्छा दौड़ता हो, तो उसके साथ साथ आप दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज आप अकेले में क्या होता है डीमोटिवेट हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो उनके साथ अभी दौड़ना शुरू करिए, जब आपकी आदत बन जाएगी तय ना आप अकेले भी दौड़ पाएंगे, तो अभी यहां पर अपने दोस्तों के साथ दौड़ना स्टार्ट करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, कोई भी डाउट है नीचे लिखिएगा, वो हम आपको सलाह देंगे जो भी हमसे बेस्ट होगी।